नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। गौतम बुद्ध नगर के देहात के दादूपुर गांव के लिए कोरोना से मुक्ति की अच्छी खबर है। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं दादूपुर गांव में कोरोना से मुक्ति की यह एक अच्छी खबर। दादूपुर गांव में कोरोना से मुक्ति मिल गई है। 6 दिन पहले गांव के जिन 17 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटाइन सेंटर भेजा था, बुधवार की दोपहर उन सभी 17 लोगों को सकुशल गांव उनके घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस इन सभी 17 लोगों को सकुशल गांव लेकर आई। गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। जगह जगह गीत संगीत बजता हुआ गांव में सुनाई दे रहा है। 6 दिन बाद क्वारंटाइन सेंटर से जो लोग अपने घर आए हैं उनके परिजन और वह काफी खुश हैं। इसके अलावा पूरा गांव खुशी मना रहा है। उनको जो कोरोना की चिंता सता रही थी पिछले एक सप्ताह से, अब उनका भय दूर हो गया है। दादूपुर गांव के लिए ही नहीं, आसपास के हतेवा और अस्तौली गांव के लिए भी ये एक खुश खबर है, क्योंकि दादूपुर गांव से 3 लोग अस्तौली गांव चले गए थे। अस्तौली गांव के युवकों ने एक घर में पिछले 6 दिन से इन लोगों को क्वारंटाइन कर रखा है और जरूरत की सभी वस्तुएं वह छतों के रास्ते उन लोगों को मुहैया करा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर से जो लोग दादूपुर गांव आए हैं उनमें बालक, युवती, महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी वर्ग के 17 लोग सम्मिलित हैं। दादूपुर गांव के एक 60 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वह नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती था। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही परिवार के 70 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया था। इस घटना के बाद गांव दादूपुर में ही नहीं, आसपास के गांव में कोरोना संक्रमण को लेकर हड़कंप मच गया था। दादूपुर गांव का यह हड़कंप हतेवा और अस्तौली गांव में ही पहुंच गया था। दादूपुर गांव से स्वास्थ्य विभाग के क्वारंटाइन ले जाते समय लोगों को कुछ लोग अस्तौली गांव में पहुंच गए थे। इसके बाद अस्तौली गांव के युवकों ने एक परिवार को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया था और घर में ही उनको जरूरी आवश्यक खाद्य सामग्री छतों के रास्ते दी जा रही थी। गांव के लोगों को डर था कि दादूपुर का कोरोना संक्रमण कहीं अस्तौली गांव में न फैल जाए। दादूपुर गांव के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि और 17 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजने के बाद समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। जिला प्रशासन ने गत दिनों गांव को चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर सील कर दिया था। गांव के लोग कोरोना संक्रमण को लेकर काफी दुखी और चिंता में थे। जिला प्रशासन द्वारा दादूपुर गांव को सील किए जाने के बाद गांव के युवक रात भर गांव की पहरेदारी कर रहे थे। गांव के सभी रास्तों को बैरिकेटिंग कर पुलिस भी मौके पर मुस्तैद और चुस्त रही थी। आप देख सकते हैं इन चित्रों में किस तरह गांव के युवक बैरिकेटिंग वाले रास्तों की सुरक्षा और निगहबानी कर रहे हैं। यह दादूपुर गांव का दृश्य था और दादूपुर गांव से क्वारंटाइन सेंटर जाते समय यह छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं। हालांकि अब सभी लोग घर आ गए हैं, लोगों में प्रसन्नता है, खुशी है, पूरा गांव मन ही मन जश्न मना रहा है। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।